मैं एक काम करती हूँ, आपकी थाली में जो फूल है ना, उनको मेरी थाली में डाल के मिक्स कर देती हूँ। मिलाने की क्या जरूरत है? बुआ, जब चित्रा आंटी आएंगी तो हम उनपे फूल बरसाएंगे, राइट? तो जब वो आएगी तो ऐसा लगना चाहिए कि रंग बिरंगी फूल बरस रहे हो। वैसे बुआ, मेरी थाली में फूल बहुत कम है, थोड़े दीजिए ना आपकी थाली में से। क्यों, थाली पूरी भरी हुई होनी चाहिए क्या? किस लिए? तो एक काम कीजिए, मुझे अनुष्का के हिस्से के फूल दे दीजिए। वो नहीं है तो उसके हिस्से के फूल भी तुम्हें चाहिए। क्यों, वो अभी यहाँ पे होती तो कितना मजा आता ना। मम्मी को भी क्या जरूरत थी उसे ड्रामा कॉम्पिटिशन में भेजने के लिए। अरे मम्मी क्या करती, वो खुद चाहती थी ना। उसकी क्लास टीचर भी आई थी सुधा से मिलने। उसके बगैर मुझे अच्छा नहीं लगता बुआ। अच्छा नहीं लगता, यहाँ होती तो फूलों को लेकर झगड़ा हो जाता। बुआ, हाँ? मुझे वो फूल दे दीजिए ना। ये? हाँ? ये तो बाहर के दरवाजे पर लगाने हैं। अच्छा तो फिर मुझे ये सफेद वाले फूल दे दीजिए। इनका क्या करना है मालूम है? क्या? जब चित्रा आंटी आएगी ना, उनको पहना देना। हाँ? क्या हो रहा है? अरे अरे, अभी तक तैयारी ही हो रही है। नहीं नहीं, बस हो गया, ये फूल बाहर के दरवाजे पर लगाएंगे बस। सुषमा, तू क्यों हाथ बांधे खड़ी? तो मैं क्या करूं? अरे कुछ भी तो, खुशी के मौके में शामिल होने के लिए दिल पैदा करना पड़ता है क्या? मेरे पास आप जैसा दिल नहीं है। अच्छा प्लीज देखो, ऐसा मौका दोबारा नहीं आएगा, तो आज के दिन प्लीज खुश हो, चित्रा के लिए ना सही, मेरे लिए। प्रॉमिस। आकांक्षा चलो रेडी हो जाओ, पोजीशन ले लो। हाँ, वो आ रही होगी। वो माला उठाओ। माला कौन लगाएगा? मैं लगाऊं? पकड़ो सुषमा, प्लीज यू प्रॉमिस्ड। चलो पोजीशंस ले लेते हैं। वेलकम वेलकम वेलकम, मुबारक हो। ये सब वेलकम टू आवर हाउस। थैंक यू। अरे अरे, माला माला भी है। और क्या, वेलकम आंटी। थैंक यू सो मच डियर। सुधा, सो गुड टू हैव यू हियर। चलो
राजा को उन दोनों रानियों से कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन कोई और था जिसे इन दोनों रानियों की दोस्ती से बहुत जलन होती थी। तो राजा ने एक दिन सोचा कि क्यों ना हम मिलके कोई तरकीब निकालें। और फिर उन्होंने वो तरकीब लगाई और वो कामयाब हो गया। बस उसके बाद सब हंसी खुशी रहने लग गए। आंटी, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, ये राजा की हमेशा दो पत्नियां क्यों होती है? मेरा मतलब दो रानियां, एक से वो प्यार करता है और दूसरी से नफरत, ऐसा क्यों? अब इसका आंसर तो मेरे पास नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि राजा के मन में जो भी आए वो वही करता है? मतलब वो 100 रानियां भी ला सकता है, एक पसंद दूसरी ना पसंद। कहानी सुन ली ना तुमने, बाकी बातें कल। आंटी को तंग मत करो, इन्हें आराम करने दो, थक गई होंगी। चलो, तुम्हें स्कूल जाना है कि नहीं? इसका जवाब तो दे दो। अरे तुम चुप रहो, ऐसे उठपटांग सवालों का जवाब मैं नहीं दे सकती हूँ। आकांक्षा, गुड नाइट। गुड नाइट मम्मी, गुड नाइट मासी, गुड नाइट आंटी, गुड नाइट। तुम थक गई हो? नहीं तो मैंने किया ही क्या जो मैं थक जाऊंगी, सारा दिन उस चेयर पे बैठी हुई थी मैं। सुधा, तुमने आज जो कुछ भी मेरे लिए किया है ना, मैं उसका कर्ज सारी जिंदगी नहीं उतार पाऊंगी। मैं रियली आई मीन इट, मैं तुम्हारी कोई भी नहीं लगती और फिर भी तुमने मेरे लिए इतना बड़ा फंक्शन किया। देखो, अगर तुम एहसान की बात करोगी ना तो मैं बहुत गुस्सा हो जाऊंगी। अरे ये तो संजोग की बात है, किसी से अपनापन महसूस करने के लिए खून का रिश्ता जरूरी तो नहीं है। कौन किस शक्ल में आकर हमसे रिश्ता जोड़ जाए ये हम नहीं बता सकते, बस इतना है कि कुदरत के बनाए इन रिश्तों की समझ होनी चाहिए हमें, बस। वाह, क्या जवाब दिया दीदी आपने चित्रा को, हैट्स ऑफ टू यू। ऐसे ही जवाब अगर आप आकांक्षा को भी दे देती तो खुश हो जाती बेचारी। बिल्कुल नहीं, ऐसे उठपटांग सवाल पूछने की आदत सी हो गई है उसे, और तुम उसे इनकरेज करती रहती हो। अच्छा, बहुत देर हो गई है, तुम्हें नींद नहीं आ रही है? मैं देखती हूँ। Hi, my dear Sally Sush. How are you? कैसा रहा तुम्हारा प्रोग्राम भाई? मजा आया? जितना मजा आपको आया उतना तो नहीं। किधर है जय? जय? अरे वो गया अपने घर। उसको थोड़े ना किसी ने घर से बाहर निकाला था, ये तो मेरे को निकाला था, मेरे को। लेकिन मैं कहाँ जा रहा? आ गए आपके पति देव। क्या सूरत बनाकर लाए हो तुम? प्लीज शरद, चुपचाप सो जाओ, तमाशा मत करो, बच्चियां सो रही हैं। तुम्हें इस हालत में देखकर चित्रा क्या सोचेगी? सुना सुश, तुमने सुना इसने क्या बोला? चित्रा क्या सोचे? मैं क्या सोचता हूँ इस बात की? इस घर में किसी को परवाह ही नहीं, बस वो क्या सोचेगी, वो क्या बोलेगी। हाँ, बोर हो गया तुम्हारा नाटक, कब से बर्दाश्त कर रहा हूं मैं। तुम बहुत होशियार निकले, ये घर छोड़ के चले गए, मैं फंस गया इधर। लेकिन अब मैं किसी की नहीं सुनूंगा, जो मेरे मन में आएगा वो मैं करूंगा। बहुत हो गई तुम्हारी गुलामी। हाँ शरद, शांत हो जाओ, बच्चियां जाग जाएंगी। ये तुम क्या कह रहे हो शरद? बुआ? हाँ सुधा। बुआ यहाँ आओ प्लीज, ताऊ के घर में छोड़ा, आज रात ये वहीं सोएंगे। इनकी हालत ऐसी नहीं कि मैंने घर में रहने दूँ। शरद प्लीज। अरे मेरी हालत को क्या हुआ भाई? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ मैं, क्या हुआ मेरी हालत भाई? और जो भी मेरी हालत हुई है ना, उसकी जिम्मेदार तुम हो, सिर्फ तुम और कोई नहीं। यार आई छोड़े हैं क्या तुम? अरे सुषमा, एक काम करते हैं, तुम और मैं एक गेम खेलते हैं, गेम रोमियो एंड जूलियट। तुम जूलियट, मैं रोमियो बनूंगा। भाई मैं आज बैचलर हूँ यार। शरद प्लीज, मैंने कहा ना तुम जाओ। यार कितनी बार मुझे निकालोगे घर से? एक ही बार निकाल के छुट्टी करो ना, तुम्हारे को भी चैन, मेरे को भी चैन। प्रोफेसर साहब चलिए। आज चलो बुआ। हाँ चल। ये मैडम का कोई भरोसा नहीं, मेरे को मुर्गा बना के उधर बैठा देंगे। चलो चलो चलिए। I'm so sorry, नशे में किसी भी बात की होश नहीं है।
सुधा, ये तुमने अच्छा नहीं किया। इतनी बड़ी दावत दी, 25-30 लोगों को तुमने घर पे बुलाया। नहीं, मेरा मतलब है कि अगर भाई तुमने मुझे भी बुलाया होता तो इसी बहाने बेचारे जय देसाई को ढंग का खाना तो खाने को मिलता। अरे मुझे बुलाना था दूर, तुमने उल्टा शरद को मेरे घर पे भेज दिया। बेचारा जय तो और बेचारा रह गया ना। प्रोफेसर जय, अब बात को समझ क्यों नहीं लेते? इस प्रोग्राम में जेंट्स आर स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड। दिस इज अ वेरी स्पेशल प्रोग्राम फॉर अ कैरिंग लेडी, ओके? किसी भी औरत के माँ बनने से पहले ये एक स्पेशल प्रोग्राम होता है। अब मिसेस शर्मा, भाई जो मर्द औरत को माँ बनने के काबिल बनाता है, आप उसी को एंट्री ना दे, ये तो बहुत गलत बात है, नॉट फेयर। जय, डोंट टॉक नॉनसेंस, बात समझने की कोशिश करो। सुधा जी, ये बात नहीं समझ सकते हैं क्योंकि इनके पास अनुभव नहीं है। भाई ये तो शादीशुदा आदमी ही इस बात का अनुभव कर सकता है। भाई जैसा, आप ऐसा करिए कि पहले एक लड़की को लाकर उसके साथ साथ फेरे ले लीजिए, फिर पति बनकर संपूर्ण रूप से पुरुष बन जाए, ठीक है? फिर थोड़े से एक्सपीरियंसेस के बाद आपको सब कुछ पता चल जाएगा। आप भट्टाचार्य सर, आप मुझे इतना भी ना समझ ना समझिए। भाई आप लोगों के मैरिड जीवन से मैं कुछ ना कुछ तो सीख ही सकता हूँ ना, और मुझे लगता है कि उतना ही मेरे लिए काफी है। दूसरे के वैवाहिक जीवन के अनुभव और अपने अनुभव, इन दोनों में काफी फर्क है, क्यों भाई? बिल्कुल ठीक, और ये बात कोई गलत नहीं है। अब बात जब चली निकली है तो एक सवाल मैं जरूर करूंगा। जैसा आप सच सच बताइए, कहीं आपने आजीवन ब्रह्मचर्य रहने की प्रतिज्ञा तो नहीं ले रखी है? अरे भाई खबस्कर साहब, इसी बात पर तो हमें खास गौर करना चाहिए। है कोई आपकी नजर में जो हमारे डैशिंग प्रोफेसर जय साहब से मैच करे? हाँ, हो तो बात चला ही लेते हैं। तो जरूर। हाँ, बहुत खूबसूरत लड़की। अच्छा, एकदम परियों में परी, लेकिन प्योर वेजिटेरियन। तो प्रॉब्लम है ना? क्या अभी जय साहब क्या है कि नॉन वेजिटेरियन। सुना है इन्हें चिकन बिरयानी बहुत पसंद है, वैसे एक से एक वेज डिशेस बनाते हैं। कोई बात नहीं भाई, जय साहब के घर में जाके हम लोग वेज डिश खा लेंगे। भाई रही बात वेज और नॉन वेज, तो देखिए शादी के बाद बहुत सारी चीज़ों का त्याग करना पड़ता है। अब सुधा जी को देखिए, इनके मिस्टर जो दीक्षित साहब हैं भाई, उनको बहुत सारी चीज़ों को त्याग करना पड़ा शादी के बाद, जैसे शराब सिगरेट। क्यों सुधा जी? मैं इस डिस्कशन से दूर रहना चाहती हूँ, थैंक यू। देखिए आप इससे भागना चाहती हैं, देखिए ये गलत बात है। आप जो भी समझ लो, मगर ये मेरे घर का मामला है, मैं इसे पब्लिक में नहीं डिस्कस कर सकती, और मेरे ख्याल से आपको भी इसे इस तरह डिस्कस नहीं करना चाहिए। जहाँ तक जय सर की शादी का सवाल है, मैंने इस बारे में इनसे कई बार बात की एक दोस्त होने के नाते, लेकिन ये अपनी बात पर कायम है, मैं ज़्यादा जोर नहीं दे सकती। आफ्टर ऑल इट इज स्ट्रिक्टली हिज बिजनेस। हमें तो बहुत दुख होता है प्रोफेसर जय को इस तरह अकेला देखकर, बेचारे सिर्फ दिल की बात कह नहीं पाए और अपना चांस गवा बैठे। सो सैड। एनफ मिस्टर लेना, एनफ, बहुत हो गया। आप मेरे साथ सहानुभूति बताना चाहते हैं? आप एक बात बताइए कि आपने शादी के बाद में क्या किया? कौन सा दिल चला दिया आपने? जय जाने दो। नहीं 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 सुधा, मैं जानता हूं कि प्रोफेसर लेने के क्या चाहते हैं, और इन्हें इस बात का जवाब मिलना भी चाहिए। प्रोफेसर ले ले, हर आदमी अपने दिल की बात दिल में रखता है, और फिर इस तरह से बहरहमी से जब वहां कोई जोश मारता है तो उसे बड़ा दर्द होता है, बहुत दर्द होता है उसे। अगर आप ये कहना चाहते हैं कि चूंकि मैंने अपने दिल की बात अपने दिल में रखी इसीलिए मेरी शादी नहीं हुई, तो वो आपका मानना है। मुझे इस बात का अफसोस नहीं है, बिल्कुल अफसोस नहीं है। मुझे एक बात बताइए, आपने शादी के बाद अपनी बीवी को क्या दिया? एक बच्चा तो नहीं दे पाया आपसे? एक बच्चा? जय शट अप। नहीं क्या है? इज इट नॉट राइट? जय शट अप। बहुत हो गया, बहुत हो गया, सिट डाउन, काम डाउन। माय डियर मिसेस, काम डाउन। हेलो सुषमा, या दैट्स करेक्ट, सुशील हियर। ओ हाय सुशील,
एक्चुअली मैं बाहर जा रही थी, कैन यू कॉल मी लेटर प्लीज। सुषमा बस मेरे एक सवाल का जवाब दो, देन यू कैन गो। कौन सा सवाल? सुषमा जब तुम्हारा फोन नहीं आया तो मैंने खुद फोन कर लिया। वैसे व्हाट हैव यू डिसाइडेड? तो ठीक है, कल पक्का 8 बजे? हे हैंग ऑन अ मिनट, मैंने अभी तक कुछ तय नहीं किया है। सुषमा मुझे नहीं पता था एक छोटी सी मुलाकात के लिए तुम इतनी देर लगाओगी। मुझे तो लगा था कि तुम बहुत फास्ट लड़की हो और तुम्हारे डिसीजंस बहुत क्विक होते होंगे। ये तो आपने सही सोचा है कि मैं क्विक डिसीजंस लेती हूँ, लेकिन गलत डिसीजंस नहीं लेती। What do you mean? क्या मैं बुरा आदमी हूँ? मेरा मतलब ये नहीं था। एक्चुअली मैं ये तय नहीं कर पाई हूँ कि जिस मिस्टर अग्रवाल को मैं उनके घर मिली थी और जिस मिस्टर अग्रवाल के साथ इस वक्त मैं फोन पर बात कर रही हूँ, वही दो अलग अलग पर्सनालिटीज एक ही इंसान में है क्या? मिस पंडित, क्या आपको लगता नहीं कि ये बात आप मुझसे मिलकर ही तय कर पाएंगे? ओ, तो आप लोगों को फ्री एडवाइस भी देते हैं? फ्री में तो नहीं, लेकिन हाँ अगर फायदेमंद साबित हुई तो फ्री में जरूर दे देता हूँ। That's interesting. चलो ठीक है, DTP मैं डिसाइड करूंगी। DTP? Date, time and place? Oh. वो मैं डिसाइड करके आपको फोन करूंगी, ओके? No, Miss Sushma, you have to tell me right now. Just relax, Sushil. जैसे आप लोगों को फ्री एडवाइस नहीं देते, वैसे ही जब मैं ये तय कर लूंगी कि आपसे मिलना फायदेमंद है, then I'll let you know. Okay. As you please.